नमस्कार। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें लेकर मैं अनिकारण हाजिर हूं। डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर एक नजर। किसानों पर लाठी चार्ज पर सीएम कमलनाथ की चेतावनी, कहा अधिकारी बदलें अपनी सोच, ये किसानों पर गोली चलवाने वाली पुरानी सरकार नहीं। मक्के का आयात करने की छूट देने पर विचार, बढ़ती कीमत रोकने के लिए पोल्ट्री उद्योग कर रहा मांग, किसानों पर पड़ सकता है बुरा असर। गन्ना किसान के बकाया पर यूपी के सीएम का सख्त निर्देश, कहा भुगतान करो वरना जेल जाओ, गन्ना किसानों को नहीं मिला पूरा बकाया। एमपी के देवास में भ्रष्टाचार की शिकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, साल भर में टूटी करोड़ों रुपयों की सड़क, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश में गेहूं, चना, मसूर समेत रबी की दूसरी फसलों के लिए यूरिया की मांग बढ़ गई है, लेकिन इसके हिसाब से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अकेले दिसंबर में प्रदेश को 3 लाख टन यूरिया की जरूरत है, लेकिन अभी तक प्रदेश को 1.5 लाख टन से भी कम यूरिया ही मिल पाया है। इससे नाराज किसानों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। गुना और छतरपुर में किसानों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। गुना में किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज तक किया। वहीं छतरपुर में अधिकारियों ने किसानों को सड़क से हटाने पर उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। बंदी लग रही, बिना बंदी का खाद नहीं मिलता। कितना कितनी समस्या गई है ऐसे में आपको? जाम भी लगाया था, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ, नहीं मिला था, है वापसी तक निकल जाएगी। जाम लगाया था तो कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं। जो विक्रेता है बिना ऑनलाइन किए वो खाद नहीं दे रहे, इससे समस्या उत्पन्न हो रही थी। मैंने मौके पे उप संचालक कृषि से बात की, उन्होंने वहाँ विक्रेता से बताया कि आप बिना ऑनलाइन करें इनको खाद दें, आधार कार्ड या ऋण पुस्तिका किसी जो दो में से कोई एक चीज उसके आधार पर खाद दें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पुलिस जो है लाइन में जो खड़े किसान हैं, जो यूरिया चाहते हैं अपनी रबी की फसलों में छिड़कना चाहते हैं, और उन पर किस तरह से लाठी बरसाई जा रही है। मध्य प्रदेश में मांग से कम यूरिया की आपूर्ति, ये समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है और इस पर सियासत तेज़ हो गई है। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी यही हाल है। और यहाँ आप देख सकते हैं अपने इन तस्वीरों में कि किस तरीके से लाठी खा रहे हैं ये लोग जो लंबी लाइनों में खड़े हैं। अब तक जो 3 लाख टन यूरिया की ज़रूरत है मगर आपूर्ति महज 1.5 लाख टन कुछ करीब हुई, उससे भी कम है। और नाराज़ किसानों ने कई जिलों में इसकी वजह से प्रदर्शन किया। गुना में लाठी चार्ज और छतरपुर में उन्होंने ट्रैफिक जाम किया। मांग से कम यूरिया की आपूर्ति, और ये समस्या आज की नहीं कई दिनों से बनी हुई है। और किसानों पर लाठी चार्ज किए जाने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तीखी नाराजगी जताई है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि किसानों पर लाठियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, अधिकारी पुरानी मानसिकता बदलें, ये पुरानी सरकार नहीं है जहां किसानों के सीने पर गोलियां दागी गईं। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना दे, लेकिन किसानों का दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी सभी जिम्मेदार लोगों को खुली चेतावनी है। उन्होंने यूरिया का संकट जल्द दूर होने का भरोसा दिलाया और किसानों से परेशान ना होने की अपील की। मध्य प्रदेश के कई जिलों से यूरिया की किल्लत की खबरें आ रही हैं। नाराज किसान चक्का जाम तक करने को मजबूर हैं। वहीं मालवा इलाके के किसानों को अभी तक ये इल्म ही नहीं है कि यूरिया की किल्लत की इन खबरों के बीच उन्हें किस मुश्किल से गुजरना पड़ सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में यूरिया की कमी तो है, लेकिन स्थिति रायसेन, विदिशा और छतरपुर जितनी बिगड़ी नहीं है।
इंदौर की सिमकोल सहकारी समिति में बीते 10-12 दिनों से यूरिया नहीं आया है। अभी यहां इक्का दुक्का किसान ही यूरिया के लिए पहुंच रहे हैं। समिति प्रबंधक का दावा है सभी पंजीकृत 450 किसानों को पहले ही यूरिया बांटा जा चुका है। उनकी माने तो एक दो दिन में और यूरिया आने वाला है, जिससे बाकी लोगों की समस्या भी दूर हो जाएगी। कितने दिन हो गए यूरिया के लिए चक्कर लगाते? 10-12 दिन हो गए। क्या कह रहे हैं? अभी नहीं है, बोले 4-5 दिन बाद आएंगे, खत्म हो गए। 450 के जो सदस्य है उनकी आपूर्ति हो चुकी है, फिर भी अभी कुछ किसान वगैरह जो आ रहे हैं, जिनको इक्का दुक्का, जिनको एक एक दो दो बोरी की आवश्यकता, उसके लिए हमने प्रयास करे मंगवाने के लिए एक गाड़ी का ऑर्डर दिया हुआ है। गेहूं की खेती में पानी लगाने के बाद ही यूरिया डालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी की कमी से अभी यूरिया की मांग कमजोर है। चिखली गांव के किसान रामलाल जरिया ने तो यूरिया की किल्लत के बारे में पूछे जाने पर इसका अंदाजा होने से ही इनकार कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है साहब, अभी हमारे वैसे क्षेत्र में देखने में तो नहीं आया कि नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ से हम अभी गए भी था तो बोला से आप और ले जाओ। यूरिया की किल्लत पर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच राज्य की नवगठित सरकार ने बहुत जल्द यूरिया की किल्लत दूर होने का दावा किया है। ऐसे में गेहूं को बड़ा करने के लिए यूरिया जो है बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ के किसानों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में यूरिया है, सोसाइटी से भी यूरिया दिया जा रहा है। इक्का दुक्का किसान सोसाइटीज पहुँच रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 45,000 टन यूरिया की खेप रेलवे द्वारा भेजी जाएगी, जिससे जो कमी अभी महसूस की जा रही है वो पूरी की जा सकेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए इंदौर से कैमरामैन निजाज के साथ पुष्पेंद्र वैद्य। इस बीच उर्वरक मंत्रालय ने रेलवे को बंदरगाहों से एमपी और राजस्थान में यूरिया की आपूर्ति को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने दोनों राज्यों में यूरिया की कमी से इनकार किया है। उसका कहना है कि मध्य प्रदेश को दिसंबर में 3,50,000 टन यूरिया की जरूरत है, जिसमें 1,85,000 टन यूरिया भेजा जा चुका है। वहीं राजस्थान को दिसंबर में 2,70,000 टन यूरिया में से 2,31,000 टन यूरिया भेजा जा चुका है। कांग्रेस बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर दोनों राज्यों के साथ भेदभाव करने और यूरिया की सप्लाई रोकने का आरोप लगा रही है। और यूरिया की किल्लत और इस किसानों पर जिस तरह से हमने देखा कि लाठी चार्ज हो रहा था, उस सब पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी। कौशल, बताइए कि इस पर जो सियासत तेज हुई है, और अब हमने इन तस्वीरों में देखा कि किस तरह से गुना में पुलिस जो है वो लाठी चार्ज करती नजर आई, जो किसान लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, तो अब क्या है ताजा अपडेट? निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में जो यूरिया का संकट पैदा हुआ है, और खासतौर से ये चुनाव के बाद जो मतदान परिणाम के बीच तक जो स्थितियां जो है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, नौकर साहब भी अपने तरह से अपने कामों में व्यस्त रहे और उन्होंने किसानों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसके वजह से ये जो समस्या है ये कुछ ज्यादा बढ़ गई है। और जिन क्षेत्रों में यूरिया की जरूरत महसूस हो रही है, किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, और पुलिस बल उनके साथ जो है उसी तरह का बर्ताव कर रहा है जैसे कि कभी पहले कभी मंदसौर में हम सुनते थे कि किसानों के ऊपर जो है पुलिस के अत्याचार हुए थे। इससे किसानों में बहुत क्षोभ है, बहुत रोष है। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी खुद को संवेदनशील बताते हुए किसानों को ये मैसेज देने की बराबर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हर स्थल पर उनके साथ है और ये सारे संकट से निजात पा ली जाएगी, लेकिन जब तक ये स्थिति नॉर्मल नहीं होती है तब तक किसानों की समस्या निश्चित तौर से खत्म होने वाली नहीं है, और वो आंदोलन करने पर उतारू रहेंगे, निश्चित तौर से विरोध करने पर उतारू रहेंगे। कौशल, अभी हमने देखा, हमने दिखाया भी दर्शकों को कि किस तरह से कमलनाथ ने ट्वीट किया कि इस तरह की जो ये लाठी चार्ज जैसी जो ये हमने तस्वीरें देखी, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो ऐसे में जो कमलनाथ सरकार है, अब उनके लिए भी चुनौती बढ़ गई है कि वो किस तरह से किसानों के इस गुस्से को, रोष को काबू में ला पाए और उनकी मदद कर सके समय पर। निश्चित तौर से जो
तौर से सरकार सक्रिय हुई है, खासतौर से मुख्यमंत्री कमलनाथ निश्चित तौर से पूरे मामले को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। पहले दिन से लेकर अभी तक उन्होंने जो है ना केवल केंद्र में बात की बल्कि 50,000 मीट्रिक टन यूरिया मध्य प्रदेश को पहुंच रहा है। और लेकिन ये जब तक किसानों तक पहुंचेगा तब तक किसानों का मनोबल बना रहे, उनकी स्थिति सामान्य बनी रहे, ये प्रयास सरकार को कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अभी 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार आई है तो पुलिस बल और नौकरशाह या जो जिलों के जो अफसर हैं निश्चित तौर से प्रशासनिक सर्जरी हो गई है। लेकिन अभी पूरी तरह से आज जब मंत्रिमंडल गठन हुआ है इसके एक सप्ताह में हमें लगता है अभी भी लग जाएगा, तब जाकर वो उनकी मनोस्थिति क्या है सरकार की उससे प्रशासन भी तालमेल बैठा पाएगा और किसानों के साथ कैसा बर्ताव करना है किस तरह से पेश आना है ये इस स्थिति को समझ पाएगा। कनिका, जैसे कि आपने बताया नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और आज हम सुन भी रहे थे कि आपने अपनी बातों में बताया कि यूरिया को लेकर खास तौर पर अब इस पर जो है नया जो एक्शन होगा वो तेज होगा। तो अब हमने ये बताइए कि जो कुछ और कौन से इलाके हैं जहां इस तरह की जो समस्या है वो आगे बढ़ सकती है, जैसे कि हमने बताया मालवा के जो इलाके में किसानों को अभी तक इसका इल्म भी नहीं है कि ये समस्या वो उनके सामने आ सकती है। निश्चित तौर से ये इसलिए हुआ है क्योंकि नवंबर के महीने में जो उर्वरक आया था मध्य प्रदेश में वो कुछ क्षेत्रों तक पहुंच गया लेकिन कुछ क्षेत्र जो है वो पहुंच नहीं पाया और जो दिसंबर में जो कमी हुई है इसकी वजह से वो सारे क्षेत्र के लोग किसान परेशान है। तो अभी मालवा की स्थिति भले ही ठीक हो लेकिन कम से कम बुंदेलखंड विंध्य और ये भोपाल के आसपास के जो जिले हैं निश्चित तौर से यहाँ स्थिति बहुत भयावह है। किसानों को संकट इस बात का है कि अभी तक भी उन्हें फसल का लागत मूल्य मिल नहीं पाया है और इस फसल में भी जबकि उन्होंने एक नया सवेरा आने की बात सोची थी और जिस तरह उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि सब कुछ ठीक होगा वो फिर से उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर यूरिया उन्हें समय पर नहीं मिलता है और फिर यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग रहती है जारी तो फिर जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए कौशल। बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए किसान बुलेटिन। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूँ। देश का पहला न्यूज चैनल जो बुलंद करता है किसानों की आवाज, उनके मुद्दे, उनकी फरियाद। धान उपजा कर रखे हुए हैं, लेने वाला नहीं है, किसान तो कर्जे में जा रहा है। खबरें ग्रामीण इलाकों की, मंडी, खेत, खलिहानों की। हम सब किसके बच्चे हैं? किसान के। शहरों में गाँव से आई आबादी की। सब बेरोजगार हैं। बातें सरकारी दावों की, पड़ताल कुछ आंकड़ों की। हमारे यहाँ केवल 20 दवाइयाँ हैं और पूरी तरह से ये योजना प्रधानमंत्री जी की फेल है। अपने किसानों से जुड़ी हर बात। ये रेड एल्पिनो है, इसकी विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होती है। देखिए मेरे साथ रोजाना शाम 6 बजे किसान बुलेटिन में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। बात करते हैं मक्का की। भारत मक्के का निर्यात करता है लेकिन केंद्र सरकार अब मक्के का आयात करने पर विचार कर रही है। ऐसे में अगर इस फैसले को मंजूरी मिल गई तो किसानों की परेशानी बढ़नी तय है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार 10 लाख टन मक्के का आयात करने की इजाजत देने पर विचार कर रही है। दरअसल मक्के की कमी और इसकी बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए पोल्ट्री उद्योग थोड़े समय के लिए मक्के के आयात की इजाजत मांग रहा है। भारत मक्का निर्यातक देश है और बीते 2 साल से मक्के का आयात नहीं हुआ है, लेकिन इस साल सरकार जहां बीते साल से ज्यादा उत्पादन के दावे कर रही है वहीं पोल्ट्री उद्योग उत्पादन में गिरावट को कीमतों में उछाल की वजह बता रहा है। सितंबर में जारी खरीफ सीजन के पहले आकलन के अनुसार 2018-19 में 2.14 करोड़ टन मक्का उत्पादन का अनुमान है जो कि बीते साल यानी 2017-18 में 2.2 करोड़ टन था, लेकिन इंडस्ट्री कम उत्पादन के दावे कर रही है। महाराष्ट्र के सांगली में 20 दिसंबर को प्रति क्विंटल मक्के की कीमत 1,841 रुपए रही जो कि 21 नवंबर को 1,549 प्रति क्विंटल थी।
मवेशियों के चारे में 55 से 65% तक मक्के का इस्तेमाल होता है। मक्के की कीमत में उछाल पोल्ट्री उद्योग की लागत बढ़ा रही है, लेकिन जानकारों की माने तो मक्के के आयात की मंजूरी मिलने के साथ मक्के की कीमत में गिरावट आएगी और किसान मक्के की अच्छी कीमत पाने का मौका गंवा बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं किसान नेता केदार सिरोही से, मध्य प्रदेश से। केदार जी, आपका स्वागत है किसान बुलेटिन में। मुझे ये बताएं कि जो ये खबर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि मक्का को हम आयात कर सकते हैं, तो ऐसे में किसानों की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय अगर हम लोग आयात कर रहे हैं तो, क्योंकि हम पूरे विश्व में मात्र 2% का इसका उत्पादन में भागीदारी रखते हैं, जिसमें भी 60% जो है वो फीड, एनिमल फीड के लिए जाता है, 20% हम लोग अपने फूड में खा लेते हैं रोटी और के लिए, और बाकी 20% का उसमें स्टार्च और ये कुछ बनता है जी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो किसान का बेसिक भाव जो मंडी में लगता है वो कोई एनिमल फीड या फूड या स्टार्च के लिए नहीं लगता है। ऐसी अवस्था में पहली बार हम लोग अभी काफी दिन के बाद हमारी मक्का का रेट एक 1500-1600 को टच करने को आया है, और ऐसे समय पर अगर सरकार आयात करती है तो ये किसानों की जो अर्थव्यवस्था है, जो उनकी लागत पर बड़ी दोहरी मार पड़ेगी। एक तरफ सरकार हमको कहती है कि डाइवर्सिफाई फार्मिंग करिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश हम जैसे जो राज्य हैं, ये मक्का उत्पादक राज्य है, और यहाँ पर किसानों ने काफी रुचि लिया है इस फसल को उगाने में। अगर ये भाव कम होता है या इस तरह का इम्पोर्ट करते हैं तो हम जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो मक्का की नई फसल की तरफ जाने की सोच रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा विराम लग जाएगा जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी का केदार जी। बढ़ते अगली खबर की ओर। आम चुनाव से पहले सभी पार्टियां किसानों को लुभाने में लगी हैं। झारखंड सरकार ने किसानों को रबी की फसल के लिए प्रति एकड़ 5000 रुपए देने का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के तीनों राज्यों में कर्ज माफी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों को ये जो सौगात दी कर्ज माफी की, तो देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार और कांग्रेस की जीत ने किसानों को राजनीति के केंद्र में ला दिया है। आम चुनाव के दिन नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में किसानों को लुभाने की होड़ सी मच गई है। झारखंड की रघुवर दास सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की। इसके तहत किसानों को हर साल खरीफ की फसल के लिए 5000 रुपए प्रति एकड़ राशि दी जाएगी। जिन किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है उन्हें भी सालाना 5000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना से राज्य के लगभग 23 लाख किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। इससे पहले कांग्रेस की सरकारें कर्नाटक और पंजाब के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कर्ज माफी का ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन बीजेपी ने कर्नाटक में किसानों के कर्ज माफी के दावों को झूठ का पुलिंदा बताया है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी प्रदेशों में उन्होंने वादा किया कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, 10 दिन में करेंगे, लेकिन किसानों को बदतर हालत में उन्होंने डाल दिया। ना कर्जा माफ हुआ, ना पैसा दिया, उल्टा किसानों को नोटिस पर नोटिस आ रही है बैंकों की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और किसान परेशान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर पंजाब और कर्नाटक के किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। पंजाब में भी 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे ऐसी घोषणा की थी। 90,000 करोड़ रुपए लोन होता है पंजाब में किसानों का, और 90,000 करोड़ में केवल 3,000 करोड़ रुपए बजट में रखा। कर्नाटक में 45,000 करोड़ का कर्जा माफ करने का उन्होंने वादा किया, 6 महीने हो गए, अभी 75 करोड़ रुपए भी नहीं दिए है। बीजेपी की जो भी आलोचनाएं हों, लेकिन तीनों राज्यों की कांग्रेस सरकारें अपने चुनावी वादों को पूरा करने में लगी हैं। सोमवार को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और चुनावी वादा पूरा करते हुए बस्तर से लोहांडीगुड़ा में टाटा इस्पात कारखाने के लिए अधिग्रहित जमीन
किसानों को लौटाने का ऐलान किया है, जिसे बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी और अहम जानकारियों के लिए हम जुड़ गए हैं कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी से, जिनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है किसान बुलेटिन में। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से, जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि ये जो कर्ज माफी है कांग्रेस की तरफ से और जो भी ये कवायद है, कोशिशें हैं, इन सब को उन्होंने बेकार बताया है और झूठ का पुलिंदा बताया है, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, पॉलिटिकल जितने भी ऐसी सोच होती है, मुझे लगता है उस पर क्या कमेंट करना है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्राइसिस जो है देश के, इम्पोर्टेंट बात जो समझनी है देश के सामने, वो ये है कि क्राइसिस आज एग्रीकल्चर में भयंकर है। और वो इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो किसानों की आय है वो कई दशकों से स्टेबल है, स्थिर है और फ्रोजन है। और ऐसे हालात में किसान क्या करेगा? कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। और यही हालात है कि आप देखें, इकोनॉमिक सर्वे 2016 में जो स्पष्ट किया गया था कि 17 राज्यों में, यानी आधे देश में, किसान परिवार की औसतन आय साल की 20,000 रुपये है। यानी किस तरीके से, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से किसान परिवार 1700 रुपये से कम की आय में गुजारा करता होगा आधे देश में। तो अगर ये हालात हैं तो पॉलिटिकल जो रस्साकशी होगी उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन देखने की जरूरत यह है कि किसानों की मदद के लिए आज कौन खड़ा हो रहा है। देवेंद्र जी, इसमें ये बात भी आती है कि जो कर्ज माफी से जो डिफॉल्टर्स हैं उनको फायदा होता है, ना कि जो एक्चुअली जो परेशानी में है किसान, तो इसमें कितनी हकीकत है इस बात में? इसमें सच्चाई है काफ़ी हद तक। इस ये सब हम जानते हैं कि जो किसान डिफॉल्ट करता है उसी को फायदा होता है। और दूसरा, मुझे लगता है कि हमें करने की जरूरत यह है कि हम हर किसान को, जो मार्जिनल किसान है या स्मॉल फार्मर है, उसको हम एक लिमिट तक सबको माफ़ी दें, कर्जा माफ़ी करनी है। तो ये तो सच्ची बात है। और ये भी हम देखते आते हैं कि बहुत सारे किसान जो हैं जिनका कर्जा एक बार माफ़ हुआ है, फिर वो दूसरे बार भी वेट करते हैं, माफ़ होता है, फिर तीसरे बार भी माफ़ होता है, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो लेकिन ये है कि देश में एक चीज़ पर चर्चा जो नहीं हो रही है वो ये है कि जब कॉरपोरेट के लोन राइट ऑफ होते हैं तब कहीं देश में कोई सवाल नहीं उठाया जाता, कोई चर्चा नहीं होती, कहीं पर मैंने मीडिया में डिस्कशन नहीं देखे। लेकिन जैसे ही किसानों की कर्ज माफ़ी की बात होती है तो सारे देश में हंगामा हो जाता, हाहाकार मच जाता। अब देखिए, कॉर्पोरेट का अगर हम देखें, पिछले 4 सालों में, यानी 2014 अप्रैल से लेके 2018 अप्रैल तक अगर हम देखें, तो 3,16,000 करोड़ रुपए माफ किया गया है। जी, कहीं आपने कभी चर्चा सुनी उसकी? 3,16,000 करोड़ रुपए माफ करने पे कहीं चर्चा नहीं होती है देश में। और जब हम कॉरपोरेट की बात करते हैं तो एकदम सारा मीडिया, सारा जो पब्लिक पॉलिसी है वो खड़ी हो जाती है कि साहब ये नहीं होना चाहिए। फिर मुझे कहा जाता है कि जब मैं ये दोनों चीजें कंपेयर करने की बात करता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि 2 wrongs डोंट मेक ए राइट। मतलब कहने का ये है कि वो एक रॉन्ग को सपोर्ट करते हैं लेकिन दूसरे रॉन्ग को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सारा इकोनॉमिक डिजाइन को जब तक हम नहीं देखेंगे तो हमें समझ नहीं आता कि किसानों की दुर्दशा क्यों हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी का देवेंद्र जी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कहां साल भर में जर्जर हुई करोड़ों की लागत से बनी सड़क। बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने चीनी मिल मालिकों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान नहीं दिया गया तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार की सख्ती के बावजूद किसानों को गन्ने का बकाया नहीं मिल पा रहा है।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में बाबतपुर रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। मुगलसराय के आधा दर्जन गांव के किसानों ने सुल्तानपुर शकुराबाद गांव के पास रिंग रोड बनाने का काम बंद कर दिया। वे चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया। और चलते चलते हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि सरकारी योजनाएं किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकती हैं। इसकी बानगी देखने को मिली मध्य प्रदेश के देवास जिले में, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क एक ही साल के भीतर जर्जर हो गई। देखिए यह रिपोर्ट। ये टूटी फूटी सड़क और उस पर दिख रहे बड़े बड़े गड्ढे, ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में बनी प्रधानमंत्री सड़क योजना का हाल है, जिसे बने अभी साल भर का वक्त भी नहीं बीता है। आलम ये है कि यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। प्रधानमंत्री योजना में बनी हुई थी, इसमें ऐसी बनाई है कि इसमें ये खाल की रेत डाली, इनमें वो सही साल तरीके से बनाई नहीं है, जगह जगह से फूट रही है, इसमें बहुत परेशानी है, रोज गाड़ी बैठ रही है। लोहारी से पुवालड़ा के बीच बनी इस सड़क की लंबाई 4 किलोमीटर है, जिसे बनाने पर 1,89,00,000 रुपए की लागत आई थी, लेकिन एक साल में ही ये जर्जर हो गई। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क बनाने में भ्रष्टाचार और घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। साल बना था ये। तो क्या किस कारण से टूट गई है? खराब हो गई, वो माल हल्का माल वापरने से। इसकी जानकारी मिलने पर नवनिर्वाचित विधायक मनोज चौधरी ने इलाके का दौरा किया और जांच कराने की बात कही। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई, ये प्रधानमंत्री सड़क है लोहारी गांव में, आप देखिए साल भर भी नहीं हुआ, इसका लोकार्पण भी नहीं हुआ, अभी तो पूरी पेंट भी नहीं भरवाई है, उसके पहले ये स्थिति है, पूरा भेंट गया है नीचे और खत्म हो गया। इसके आगे भी रास्ते सारे इतने ज्यादा खराब है, ये हम आगे इसकी जांच भी करवाएंगे जिन लोगों ने बनाया है, और आने वाले समय में इन सड़कों को तो ठीक करेंगे, लेकिन जिनने भी गलती करी उनको भी ठीक करेंगे। विधायक भले ही जांच कराने का आश्वासन दे रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारी किसी भी तरह की गड़बड़ी से साफ इनकार कर रहे हैं। हालांकि देवास के जिला अधिकारी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। हमारे रोड है वो ग्रामीण पर उसके लिए बनाए गए हैं, वो 8 टन मैक्सिमम पर एक्सल लोड के लिए बनाए गए हैं, भारी वाहन उससे चलता है और कोई क्षतिग्रस्त होती है तो उसको सुधार जरूर कराया जाए, पर उसमें हमारा उससे लोड के लिए डिजाइन नहीं रहता, हमारा ब्लेज रोड है। ये तथ्य मेरे संज्ञान में अभी आया है, तो इसकी हम पूरी जांच करवाएंगे और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। लोहारी और पुआलड़ा गांव के बीच बनी ये सड़क बताती है कि ग्रामीण इलाकों में लागू योजनाएं किस कदर भ्रष्टाचार के शिकार रही हैं। देखना होगा कि राज्य की नई सरकार ऐसे भ्रष्टाचार पर किस तरह से लगाम लगाती है। मध्य प्रदेश के देवास से रईस पठान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी क्या हुआ, कल क्या हुआ यहाँ पर?